हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सीए जयदीप ठक्कर। आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल योर सक्सेस मिट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कोई भी एग्जाम में कैसे इजीली 95% स्कोर कर सकते हो, और मैं साथ में आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा और कुछ आपको रिसोर्सेज भी बताऊंगा, फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज जहां से आप इजीली इस टाइम में पढ़ाई कर सकते हो। और आप सभी लोग हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हो, सो इसीलिए आप सभी के लिए मैं अन अकेडमी की ओर से कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस आपको फ्री में मिले, ऐसी कुछ चीजें लेके आया हूँ आपके लिए। फ्री गिफ्ट्स हम लेके आए हैं। सो सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग इजीली कैसे ऑनलाइन इजीली पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो अन अकेडमी एक इवेंट लेके आया है, अन अकेडमी एसेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप, जो होने वाला है 1 नवंबर को सुबह 11 बजे। और यहाँ पे आपके पास चांस है कि आप लोग अन अकेडमी का फ्री में सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो और आप पूरे साल अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। सो मूव करते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक चीज ध्यान दो, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी स्टूडेंट 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए। पहले मैंने 11th 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कुछ चीजें लेके आया था, लेकिन वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया, सर हम 8th के स्टूडेंट हैं, मैं 9th का हूं, सर मैं 6th का हूं, प्लीज हमारे लिए भी कुछ कीजिए। सो यहाँ पे जो 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये होगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 1 नवंबर को 11 बजे अन अकेडमी ऐप पे टेस्ट होगा। उस टेस्ट में जो भी स्टूडेंट यहाँ पे टॉप करेंगे, उनको अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, पेड सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। मैं आपको पूरी प्रोसेस इजिली बता देता हूँ। देखो, ड्यूरेशन 1 आवर का टाइम रहेगा और आप लोगों को 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होगा, पूरा सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स एंड साइंस का सिलेबस होगा। ये होने वाला है 6th से लेके 10th तक के स्टूडेंट के लिए, 6th से लेके 10th तक के स्टूडेंट के लिए। ये सारी चीजें पहले मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको 1 आवर में 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, 100 मार्क्स के पेपर हो गए, और यहाँ पे एनसीईआरटी मैथ्स एंड साइंस का सिलेबस होगा। और प्राइजेस क्या होगी, जो भी स्टूडेंट रैंक 1 से लेके 3 तक लेके आएंगे, उनको अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन 6 मंथ्स के लिए फ्री में दिया जाएगा। और 4th से लेके 10th तक के जो भी रैंक आएंगे, उन सभी लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन 1 मंथ का बिल्कुल सीबीएसई का फ्री में दिया जाएगा। आपको क्या करना है, मैं इसकी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में और हमारी जो कम्युनिटी टैब है वहां पर भी मैं इनपुट कर दूंगा। तो यहां पे अटेम्प्ट आपको क्या करना है, इस चैंपियनशिप में यहां पे आप लोगों को अटेंड करना है। इसी के साथ साथ आपको और भी चीजें क्या मिलेगी, आपका जो रिजल्ट होगा वो एक डिटेल रिपोर्ट के फॉर्म में दिया जाएगा, आपके कौन से क्वेश्चन सही थे कौन से गलत थे, और आप लोगों को जितने भी डाउट्स है इसके लिए एक स्पेसिफिक एनालिसिस क्लास होगा। तो जितने भी स्टूडेंट है वहां पे अपना देख पाएंगे कि उन्होंने क्या चीजें गलत की है, और उसी एनालिसिस क्लास में रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा सेम डे। जिस दिन आपका टेस्ट होगा 1 नवंबर, उसी दिन आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा और कौन टॉपर है उसके बारे में डिटेल्स दे जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो भी स्टूडेंट 11th 12th के स्टूडेंट है, पीसीएम के स्टूडेंट है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले, एंड देन आफ्टर पीसीएमबी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और कॉमर्स के स्टूडेंट और ह्यूमैनिटीज, सभी स्टैंडर्ड्स, मतलब सभी जो हमारी जो पीसीएम है, पीसीएमबी है, कॉमर्स है या फिर ह्यूमैनिटीज, सभी स्ट्रीम को यहाँ पे कवर किया गया है। और अब जो मैं बताने वाला हूँ वो 11th 12th स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। सो यहाँ पे 11th 12th के लिए क्या है, 1 आवर का सेशन होगा, 1 आवर का आपका टेस्ट होगा, टोटल 60 क्वेश्चंस हो गए, 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होगा, और पूरा एनसीईआरटी सिलेबस यहाँ पे आपके लिए होगा। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ईच टेस्ट में, जितने भी स्टूडेंट है रैंक 1 लेके आएंगे, उनको अन अकेडमी का 6 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा, और रैंक 2 से लेके 5 तक अन अकेडमी प्लस का 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। अब देखो, आप लोगों के लिए पूरा ये जो सिलेबस है वो वही है जैसे पीसीएम के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स का पूरा एनसीईआरटी, पीसीएमबी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी, और ह्यूमैनिटीज के लिए यहाँ पे आप लोग पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, और कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पे आप सभी लोग इसमें एनरोल कर सकते हो, इसके लिंक दे दूंगा। और इनमें भी सेम है, जो भी विनर्स होंगे वो उस दिन एक एनालिसिस क्लास यहाँ पे होगा और उसी में ही अनाउंस किया जाएगा। सो यहाँ पे आप सभी लोग इसमें एनरोल कर सकते हो, आपको ये सब्सक्रिप्शन आप इजीली जीत सकते हो। और इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स भी दे रहा हूँ। देखो, मैं अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ, इसीलिए मैं आपको कुछ यहाँ पे चीजें बताना भी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जैसे मैं कॉमर्स 11th 12th में पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे टेस्ट हम लोगों को दिए जाते हैं कि आप लोग प्लीज इसका टेस्ट निकालिए, पेपर्स निकालिए। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप के एग्जाम में पेपर्स हो सकते हैं, और कोई भी एग्जाम हो,
चाहे ये एग्जाम को टारगेट करो आप या फिर आपकी जो भी आने वाली एग्जाम्स है उसमें आपकी कैसे इजीली टॉपर बन सकते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। हमारी एक साइकोलॉजी होती है, मतलब जब भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी टेस्ट आने वाली है या फिर आपकी एग्जाम आने लगती है तो हमें थोड़ा डर लगने लगता है। जैसे जैसे एग्जाम पास आती है हमें डर लगता है, तो ये नेचुरल है, सभी लोगों के साथ हुआ, मतलब होता ही है। मेरे साथ भी हुआ था और आपके साथ भी डेफिनेटली ये होगा ही होगा। तो यहाँ पे इस साइकोलॉजी, मतलब ये डर को अगर आपको दूर करना है तो सबसे पहले आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है वो हम बात करते हैं। देखो, हमने बहुत सारे टॉपर के इंटरव्यू किए हैं और इसके हमने स्ट्रेटेजी भी शेयर की है, उसमें भी मैंने बताया है कि टॉपर से कॉमन सजेशन सभी स्टूडेंट्स को ऑलवेज देते हैं, रीड एनसीईआरटी थरोली। और आपने भी देखा जो अनअकैडमी ने जो टेस्ट लिया है, यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टेस्ट डिजाइन करते हैं, उन लोगों ने भी क्या बोला है, पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस कवर होगा। सो सबसे पहले तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, एनसीईआरटी, इसी पे सबसे पहले आपको थरोली एक बार अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मैनी क्वेश्चंस डायरेक्टली आस्क फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट। और अगर आप, मैं 11 12th में पढ़ाता हूं, मैं वहां पे देखता हूं कैसे मस्त क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं। तो आप लोगों को पहले थरोली पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी के टेक्स्ट से लाइन बाय लाइन उठा के पूछ लेते हैं। सो सबसे पहले क्या करना है आपको, एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ना है। एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, सीधे प्रीवियस ईयर पेपर्स पे मूव मत करो, पहले पढ़ाई करो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद इजीली आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। जैसे ही एक बार आप पूरा कॉन्सेप्ट समझते हो, देन आफ्टर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं और आपका नेक्स्ट स्टेप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने का होना चाहिए। आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे देखने हैं। अब देखो, यहाँ पे आप लोग एक और चीज कर सकते हो, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो एक बार जो भी आपकी ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कौन से चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर से 3 मार्क्स के आते हैं, कौन से चैप्टर से एमसीक्यू ज्यादा पूछते हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा फोकस करने में आइडिया आएगा। सो यहाँ पे आप सभी लोग इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरी चीज, आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, पहले आपको एनसीईआरटी थरोली अच्छी तरीके से पढ़ना है, आपके पास भले ही टाइम कम है लेकिन यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से इस पे फोकस कर सकते हो। देन आफ्टर आप लोगों को एनसीईआरटी के टेस्ट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यहाँ पे अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, टेस्ट देते हैं, लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है वो लोग भूल ही जाते हैं। एनालाइज योर सेल्फ आफ्टर टेस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। सोचो आपने यहाँ पे ये 100 मार्क्स का टेस्ट दिया और आपके फॉर एग्जाम्पल 90 मार्क्स आए और आपको लगा चलो मेरे तो 90% है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये 10 मार्क्स का आपका कहाँ गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आए मेरे और मैंने कहाँ पे गलती कर दी, ये अपने आप को आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा। सो इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट से ऑलवेज रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेस्ट देने के बाद एनालिसिस सेशन में जरूर अटेंड करना। एनालिसिस से आपको आइडिया आएगा आपकी क्या क्या गलती हुई थी। अगर सोचो इसी 10 मार्क्स के कोई क्वेश्चन आ गए तो यहाँ पे क्या होगा, आपके मार्क्स चले जाएंगे, ये 90 आपके कोई काम के नहीं रहेंगे। सो मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ इस एनालिसिस सेशन को भी अटेंड करना, वहां पे विनर भी यहाँ पे बताए जाएंगे। सो अब सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना। आप लोग इजीली देखो, इस टाइम में सभी लोगों को फिनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के पास चांस है अपने आप को प्रूव करने का। इतने दिन, 7 से 8, आप अभी भी अगर गिने तो 7 दिन आपके पास है, आप इजिली इस टेस्ट में टॉप कर सकते हो और फिर आप इजिली 6 to 7 months यहाँ पे अच्छी तरीके से अन अकेडमी पे पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। सो हमारे सभी स्टूडेंट्स, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर प्लीज ऐसा कुछ लाइए सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज एनरोल कर लेना सभी लोग और मुझे कमेंट करना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे बहुत से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। तो जो भी स्टूडेंट एनरोल करते हैं कमेंट जरूर करें वीडियो के बाद और मुझे कमिटमेंट करें कि सर आई विल टॉप, आई विल क्रैक इट, मुझे ये कमेंट सभी स्टूडेंट से चाहिए। सो इजिली आप अपना रिजल्ट डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। सो मुझे आप सभी लोगों से ये चैलेंज चाहिए, यस सर आई विल क्रैक इट। सो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, यहाँ तक सभी लोगों को रिक्वेस्ट है आप प्लीज अन अकेडमी की उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना, आपके पास चांस है, आप सभी के लिए इतने सारे हम बेनिफिट्स लेके आए हैं तो प्लीज इसका बेनिफिट जरूर लेना। और जो भी स्टूडेंट बाद में वीडियो देख रहे 1 नवंबर बाद, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अन अकेडमी पे पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन, जहां पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें पढ़ाई जाएगी और सेपरेट कोर्सेज के लिए सेपरेट फीस नहीं है, एक ही सब्सक्रिप्शन से सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज के एक्सेस वहां से मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप सभी लोग
इस कोड से अन अकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन जहां से आपको फीस में 10% ऑफ मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं, क्विजेज होती है, ये सारी चीजें आपको एक ही प्लान से इजीली मिल जाएगी। सो यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर आप 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और प्लस लेते हो, तो 6 के बाद आपके जितने स्कूलिंग ईयर है उन सभी के आपको जितने पीरियड के आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उतने टाइम तक आपको यहाँ पे पढ़ाई मिलेगी। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल 9th के स्टूडेंट हो, 9th के, तो 9th के बाद 10, 11, 12th के भी कोर्सेज के आपको एक्सेस मिल जाएंगे, सभी कोर्सेज के आपको एक्सेस मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और मुझे सभी लोगों से चाहिए कि आप सभी लोग डेफिनेटली वहां पे पार्टिसिपेट करो। सो यहाँ पे अगर आपको ये चीजें हेल्पफुल लगती है तो प्लीज पार्टिसिपेट करना और अप्रिशिएट करना। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे एंड से, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहां तक रखते हैं, थैंक यू।